इसका मेन मॉडल जो क्या है, ड्रग लेवल कम करना जो कंज्यूम किया है वो उसको डिटेक्ट करके एक बजर बजाता है, एक बीप बजाता है जिसे। और ये है इस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप, अभी मैंने इसको अच्छे इस तरह से दिखाता हूँ। इसमें मैंने कौन कौन से बर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, ये है MQ3 सेंसर। इसका काम जो है सेंसर मैसेज भेजता है, जैसे कि हमारे सेंसर्स नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, वैसे ही जो है। और जो ही ये सेंस करेगा अल्कोहल या फिर स्मोक को, ये मैसेज भेजेगा, मैसेज भेजेगा वापस, रिएक्ट करेगा। ये बजर स्मोक दिखा रहा हूँ, ये स्मोक डिटेक्ट कर सकता है। और इस जो प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर, इसका जो मेन मोटिव है, जो हमारे ड्रग एडिक्ट स्टूडेंट्स होते हैं, इसका मेन मोटिव जो है उसको आइडेंटिफाई करना और उनको आइसोलेट करना दूसरे बच्चों से, ताकि ये जो महामारी है ये फैले ना, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एक मतलब ख़तरनाक चीज़ है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने ड्रग किया, वो फिर और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है ड्रग एडिक्शन में, या फिर स्मोकिंग में, या फिर अल्कोहलिज्म में। जैसे कि हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से, पिछले 10-12 सालों से गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान डाल रही है, इन चीज़ों से मतलब प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, बैनर्स लगाए जा रहे हैं, ड्रग डे एडिक्शन डे पे टॉपिक्स बनाए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ किया जा रहा है गवर्नमेंट के। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं इसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए, अभी प्रोटोटाइप बनाया है, मैं इसको इसलिए बनाया ताकि ये हमारे जो स्टूडेंट्स को उनको हेल्प करें और हमारे गवर्नमेंट को हेल्प करें, ऐसे स्कूल्स को हेल्प करें, ऐसे स्टूडेंट्स को आइसोलेट करें और वो ये ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके, ये ड्रग एडिक्शन जो है या फिर अल्कोहल या स्मोकिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। एक्चुअली सर ये आइडिया जो है मुझे, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने ज़्यादा ध्यान डाल रही है, या फिर पिछले कुछ सालों में मैं यहीं पे BHSS बुमई में मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हुए देखे हैं ड्रग डे एडिक्शन डे पे, या फिर काफ़ी और प्रोग्राम्स जिनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन पे इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ये इसको कम करने के लिए। तो मुझे आइडिया आया क्यों ना इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इम्प्रूव कर सकें। और इसमें जो मेरे मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने मुझे टाइम टू टाइम असिस्ट किया, इन्होंने मुझे टाइम टू टाइम मेंटर किया। सजाद सर हैं, मिस्टर इशफाक सर हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटर किया जिससे ये पॉसिबल, ये प्रोटोटाइप पॉसिबल हो सका। और मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे हम ये जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे चैलेंज हैं इसको मैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इम्प्रूव कर सकूँ। हर एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई टैलेंट है, बट यहाँ आके उनको जो मटेरियल चाहिए उस टैलेंट को, उस जो भी उनके पास कंसेप्ट है उसको मैच्योर करने के लिए, जो भी डिवाइस चाहिए उनको, जैसे ऑर्डिनोज है, सेंसर्स है, दे आर फ्रीली अवेलेबल टू देम एंड वो प्रोजेक्ट्स मैच्योर होते हैं। लाइक वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो हमारे ऑनरेबल LG सर है, और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, उन्होंने इस बुमई हाई सेकेंडरी में एक लैब की जो इंस्टॉल की, इस लैब का नाम है ATL, नॉट ओनली इन दिस हाई सेकेंडरी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बहुत सारे हाई सेकेंडरीज कवर हुई है जिनमें ये ATL लैब्स है। डेफिनेटली सर, लाइक वी कैन से इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, एक ये स्टेम लैब है, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, ATL इज़ लाइक वन ऑफ द लैब जहाँ पे आपको हर डिवाइस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के पास। रीज़न था बच्चों के पास था कंसेप्ट, बट दे वर नॉट एबल टू मैच्योर इट। लाइक कोई प्रोजेक्ट बनाना था, अगर ये ऑफलाइन में खुद ये महंगा पड़ जाता है, लाइक एक ऑर्डिनो आपको 2000 का पड़ जाता है, बट हियर दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक प्लेटफॉर्म दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि जो भी बच्चे के पास क्रिएटिविटी है, एंड इट इज़ द नीड ऑफ 21st century, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी डिमांड कर रही है कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो, एंड ATL इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करते हैं। सोशल इवेंट है ये हमारी सोसाइटी में, और बड़े बड़े घर इसमें तबाह हो रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं दे आर वेरी सेंसिटिव। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हम लाइक अगर स्कूल्स में इंप्लीमेंट करेंगे, पब्लिक प्लेसेस में इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली एक ट्रैकिंग हो जाएगी, जो हमारे ड्रग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको अगर ट्रैक किया जाए और एट द सेम टाइम उनको फिर काउंसलिंग की जाए, आइसोलेट किया जाएगा, तो एक बड़ा, मेरे ख्याल में एक बड़ा स्टेप है इस ड्रग मैनेस को ख़त्म करने में।